नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 जून, दिन मंगलवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सुशील कुमार मोदी ने जदयू सांसद के बेटे के कंपनी पर कार्यवाही की मांग। नीतीश पर बरसे बीजेपी के सम्राट। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश की पहल और विपक्षी एकता की मुहिम पर साधा निशाना। बीजेपी नेता ने नीतीश और लालू को कहा, खुद को दोनों जेपी का सिपाही कहना करे बंद। ओवैसी ने इस वजह से केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। सुशील कुमार मोदी ने जदयू सांसद के बेटे के कंपनी पर कार्यवाही की मांग। अभी हाल में ही जदयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे सुनील कुमार को 1600 करोड़ के एम्बुलेंस टेंडर देने का मामला सामने आया है। इसमें विरोधी दलों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि नियमों को ताक पर रखकर जदयू सांसद के बेटे की कंपनी को 1600 करोड़ का एम्बुलेंस टेंडर दिया गया। बता दें कि इसके तहत कंपनी 2125 एम्बुलेंस की सेवा 5 सालों के लिए दी जानी है। इसे लेकर सुशील कुमार मोदी द्वारा कहा गया कि पहले तो टेंडर देने की शर्तों यथा अनुभव, टर्नओवर, चयन का आधार, कॉल सेंटर की क्षमता आदि को इस प्रकार बदला गया ताकि जदयू सांसद के बेटे की कंपनी टेंडर में भाग ले सके। जदयू सांसद के बेटे की कंपनी को एम्बुलेंस का टेंडर देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सुशील कुमार मोदी ने कार्यवाही की मांग की है। देश भर के विपक्षी दलों को एक करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी में आई अंतर्कलह की खबर। विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर जहां नीतीश कुमार पूरे देश में मौजूद विपक्षी दलों को एक करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी अंदर से ही अंतर्कलह की खबर अब सामने आने लगी है। दरअसल जदयू पार्टी में मौजूद नेता और MLC रामेश्वर महतो ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उमेश कुशवाहा पार्टी के अंदर गुटबाजी कर रहे हैं, जिससे पार्टी और नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। साथ ही रामेश्वर महतो ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा बागी हो गए और नीतीश कुमार से दूर हो गए। कश्मीर के पूर्व CM ने भाजपा के इन दिग्गज नेताओं पर साधा निशाना। कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने विपक्षी दलों के बैठक की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा नेतृत्व की प्रतिक्रिया इस बात का सबूत है कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक सफल रही। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में है तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं होगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने विपक्षी दलों पर जो बयानबाजी की थी, उसके कटाक्ष में उन्होंने कहा कि समय साबित करेगा कि यह फोटो शूट था या नहीं। यदि गृह मंत्री, जो देश दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, सहित पूरे भाजपा नेतृत्व ने बैठक के बारे में बयान जारी किया है, तो इससे आपको इसकी सफलता के बारे में कुछ अंदाजा मिलता है। नीतीश पर बरसे बीजेपी के सम्राट। आए दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लेते नजर आते हैं। एक बार फिर से उन्होंने सहरसा में अपने एक दिवसीय यात्रा के दौरान नीतीश कुमार और उनके सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह खोखले हो चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। लालू के पास कुछ वोट है, उसी के बल पर वो दिख रहे हैं। कोई महागठबंधन बिहार में दिखने वाला नहीं है। 2024 में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 40 की 40 सीट बिहार में जीतने वाली है। वहीं आगवानी पुल हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि आगवानी घाट का पुल हवा के झरोके से गिर रहा है, कोई दूसरा मॉडल अभी नहीं चल रहा है। बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार के मॉडल को आप पहचानिए। बिहार को पूरी तरह बर्बाद करने का काम एक ही नेता ने किया है, वो है नीतीश कुमार। जीतनराम मांझी की पार्टी से कई महत्वपूर्ण चेहरों ने जदयू का थामा हाथ। मिलन समारोह का आयोजन बीते ही दिनों जदयू पार्टी कार्यालय में आयोजित किया गया। इस मिलन समारोह में जीतनराम मांझी की पार्टी से सारण और सीतामढ़ी जिले के कई महत्वपूर्ण चेहरे ने जदयू का दामन थामा। शामिल होने वाले इन लोगों को बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा और अन्य लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को मुसर भुइया समाज से इतनी घृणा है कि उनके नेता अमित शाह ने जीतनराम मांझी को चप्पल उतरवाने के बाद अपने कमरे में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। आगे उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा, जीतनराम मांझी और उनके परिजन बताएं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी चप्पल खोलकर मिलने जाते थे। आगे उन्होंने जीतनराम मांझी को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने समाज को नीचा दिखाने का काम किया है, इसके लिए उन्हें समाज से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर साधा निशाना। इन दिनों भागलपुर दौरे पर आए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों की एकता पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में सभी PM बनने का सपना देख रहे हैं। महागठबंधन की बात करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव पर तंज कसा और कहा कि हम लोग JP आंदोलन में एक साथ थे और जेल भेजने का कारण कांग्रेस बनी थी। आज उसी के पोते के साथ नीतीश कुमार और लालू यादव हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। वह आंदोलन जिससे हम लोगों ने क्रांति लाई थी, कुर्सी की लालच में चुके हैं। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि देश के कई क्षेत्रों में विकास हुआ है।
उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश की पहल और विपक्षी एकता के मुहिम पर साधा निशाना। जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी को खड़ी करने वाले रालोजत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार और उनके द्वारा चलाई जा रही विपक्षी एकता की मुहिम पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब उनके किसी भी पहल को कामयाबी नहीं मिलेगी। उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, न सोच है, न विजन है और न दृष्टि है। आगे उन्होंने पटना में होने वाली विपक्षी बैठक की चर्चा करते हुए कहा, कितने लोगों को पटना में इकट्ठा किया, लेकिन इस बैठक का नतीजा क्या निकला? सिर्फ अगली बैठक की तारीख निकली। बैठक के बाद सभी नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। केजरीवाल ममता अलग राह पर है, जो लक्षण दिख रहा है उसमें कहीं से भी इसमें कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। प्रशांत किशोर ने बताया नीतीश कुमार की राजनीतिक मंशा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पोल खोलते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पता था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद भाजपा सबसे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाती और कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। भाजपा की मजबूरी लोकसभा के चुनाव तक है। लोकसभा में भाजपा एक बार जीत कर आ जाती तो उनकी सरकार दिल्ली में बन जाती, फिर उनको बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटा देती। नीतीश कुमार ने अनुमान लगाने के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की व्यवस्था बना ली ताकि 2025 तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। आगे उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने कहा था कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसे लेकर उन्होंने कहा कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। नीतीश कुमार को न तेजस्वी से प्यार है और न ही उन्हें लालू यादव की पार्टी राजद से प्यार है। बीजेपी नेता ने नीतीश और लालू को कहा खुद को दोनों जेपी का सिपाही कहना करे बंद। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश और लालू यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने लोकलाज त्याग दी है। दोनों खुद को जेपी का सिपाही कहना बंद करे। आगे उन्होंने कहा कि पटना में कई पार्टियां विलाप करती नजर आई, हालांकि इस दौरान वे किसी एक को अपना नेता नहीं चुन पाई। बिहार में बिना दूल्हे के बारात निकाली गई। दो दिनों में ही पार्टियों के अलग अलग बयान आने लगे हैं। मुस्लिम लीग को राष्ट्रवादी बताने और सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाने वाली पार्टी जनता देख रही है। महाराष्ट्र में मौजूद शिंदे फडणवीस सरकार को लेकर मुखपत्र सामना में कही गई ये बात। अक्सर बारिश के मौसम में शहरों में जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति मुंबई में देखी जा रही, जहां मॉनसून की पहली बारिश के बाद पूरे शहर में जलभराव का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र में मौजूद शिंदे फडणवीस सरकार पर उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में जमकर हमला बोला गया। दरअसल सामना के संपादकीय में लिखा गया कि पहली ही बारिश में शिंदे फडणवीस सरकार के दावे पानी में बह गए। 70 मिलीमीटर बारिश ने कलाई खोल दी, सरकार को शर्म आनी चाहिए। आगे इसमें लिखा गया कि बारिश के आने से किसान तो राहत में है, लेकिन मुंबई के लोग दहशत में हैं। राजनीति में अपनी दिशा तय कर रहे प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को लेकर कही ये बात। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन की बात करते हुए कहा कि आगामी दोनों चुनाव कब होंगे ये पता नहीं, लेकिन बिहार में जो आज की व्यवस्था है उस तर्ज पर नहीं होगा। कौन नेता या दल किधर भागेगा ये कोई नहीं जानता है। आगे उन्होंने बताया कि आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक हो रहे हैं, अगले चुनाव से पहले आप देखेंगे इसमें बड़ा परिवर्तन आएगा। इसकी झलक आपको दिख भी रही होगी। महागठबंधन को 2015 में हमने बनवाया है, तो मैं जानता हूं कि इसको बनाने में क्या समस्या है और इसे चलाने में क्या परेशानी आती है, कितना समय और प्रयास करना पड़ता है। 2015 में 3 दलों का जो महागठबंधन था उसे मैंने ही बनवाया था। आज 7 दलों का महागठबंधन है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि 2015 में जो महागठबंधन बना था उसमें लालू और नीतीश कुमार कितने बार मिले थे, नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनवाया इसको समझने की जरूरत है। मुझे दिल्ली में मिले थे, जहां उन्होंने मुझे खुद महागठबंधन बनाने और उसमें शामिल होने को कहा था। अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर जदयू नेता ने कही ये बात। मिली जानकारी के अनुसार 29 जून को बिहार के लखीसराय जिले में संभवतः बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह का जनसभा संबोधन कार्यक्रम और आम रैली निकाली जा सकती है। इसे लेकर अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, बिहार घूमने आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अमित शाह के बिहार आगमन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा दवाई कुटवाया जा रहा है, एक एक खुराक दवा पड़ेगा और बीजेपी 2024 में कहां रहेगी इसका अनुमान नहीं है। उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना को मिला आरजेडी का साथ। हाल में ही उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में विपक्षी बैठक को लेकर वैगनर शब्द का प्रयोग किया गया था। इसे लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा भी देखने को मिल रही है। इसी बीच अब सामना के मुखपत्र की चर्चा करते हुए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर द्वारा कहा गया कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से जो बातें कही वह बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को हटाना है। पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने जिस तरह से शासन किया उसके कारण बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था चरमाई हुई है। जो भी विपक्षी दल मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं उनके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है। 2024 चुनाव के लिए सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, इससे बीजेपी परेशान है। विपक्षी दल मिलकर सत्ता से मोदी सरकार को हटाएंगे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी दलों की ली चुटकी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी एकता की बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा कि बैठक का मुख्य मूल मंत्र राहुल गांधी की शादी था, जहां लालू प्रसाद यादव ने अपने दल की बात कही थी। आगे उन्होंने कहा कि पूरी संगोष्ठी जो पटना में आयोजित हुई थी, उससे उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। मैं मानता हूं कि 14 पार्टियों के दल का असर जरूर होगा। लालू जी को अपने दल की बात सुनाई और जहां तक एकता की बात की जाती है, ओवैसी ने इस वजह से केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों। अभी हाल में ही भारत में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान सामने आया था। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा के बयान पर जिस तरह से पलटवार किया था, उससे लेकर अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्विटर के जरिए कहा कि क्या किसी को आश्चर्य है कि चीन हमारे सैनिकों को लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर गश्त करने से रोकता है। मोदी सरकार के जितने मंत्री चीन का नाम लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला करने को तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि उम्मीद करें कि मोदी जी की विदेश यात्रा उन्हें चीन की दादागिरी के आगे झुकने के बजाय उसका नाम लेकर उल्लेख करने की हिम्मत देगी और मणिपुर पर भी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, जो लगभग 8 सप्ताह से चल रहा है। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, अरुण कुमार, दयाशंकर प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बराक ओबामा ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय मुसलमानों पर जो चिंता जाहिर की है, इस पर आपकी क्या राय है? आप जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।